राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही सरल से उपाय लेकर आए हैं और वो उपाय है एक लौंग का। इसे करने मात्र से आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। एक छोटी सी लौंग आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी आर्थिक कष्ट की स्थिति हो ही जाती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में बरकत बनी रहे, धन का कभी अभाव ना हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बरकत नहीं होती। तो उस स्थिति में एक छोटी सी लौंग आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। ये लौंग आपको कहीं भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। यदि आपके जीवन में धन की किसी तरह की कोई भी दिक्कत है, पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, नौकरी और व्यवसाय में है तो कई बार ऐसा होता है कि वहां पर भी हमारे पैसे अटक जाते हैं, आते नहीं है। तो कुल मिलाकर यदि कोई धन की समस्या है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत हो, आर्थिक स्थिति से आपको मुक्ति मिल जाए, पैसा हर तरफ से आपके घर में आए, धन आगमन के मार्ग खुल जाएं, तो उसके लिए आप बस शुक्रवार के दिन एक लौंग का ये उपाय कर लें। एक लौंग का ये छोटा सा उपाय आपके जीवन से धन से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करके आपका घर धन से भर देगा, आपके घर में बरकत होगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, इस उपाय को करने के आपको ये बता दें कि ये उपाय शुक्ल पक्ष के किसी भी दो शुक्रवार में से एक शुक्रवार के दिन ये कर सकते हैं। यदि आप स्त्री हैं तो शुद्ध अवस्था में ही आपको इस उपाय को करना है। स्त्री के अलावा घर का अन्य कोई भी व्यक्ति भी ये उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको सबसे पहले शुक्रवार के दिन एक लाल या गुलाबी रंग का कपड़ा ले आना है। यदि आपको कपड़ा उस दिन नहीं मिला तो आप विकल्प के तौर पर एक लाल कागज का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उत्तम रहेगा आप लाल कपड़ा इस्तेमाल करें। कपड़ा रुमाल जितना छोटा होना चाहिए। आपको बता दें कि ये उपाय शाम को या रात के समय करें, ये समय उचित रहेगा। इस उपाय को करने से पहले नहा धो लें और साफ कपड़े पहन लें। यदि नहा नहीं सकते तो हाथ पैर अच्छे से धो लें, खुद को पूरी तरह शुद्ध कर लें। अब आपको उस लाल कपड़े या फिर कागज पर उस एक लौंग को रख देना है और उसके बाद माता लक्ष्मी का आपको आह्वान करना है। जो भी धन संबंधी दिक्कत है, आर्थिक समस्या है, उसे दूर करने की प्रार्थना करनी है कि वो इन सभी दिक्कतों को दूर कर दे और आपके घर में बरकत हो, धन का स्रोत खुले, घर में धन का आगमन हो। माता लक्ष्मी से आह्वान करने के बाद अब आप उस लौंग को उसी कागज या कपड़े पर फोल्ड कर दें और उसे किसी लाल धागे से बांध दें और फिर उस लौंग की पुड़िया को लेकर अपने धन रखने के स्थान, चाहे वो आपकी तिजोरी हो या फिर पर्स, जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां इस पुड़िया को ले जाकर रख दें। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए रख दें। आप चाहे तो महीने भर बाद वापस इस पुड़िया को हटाकर उसे पानी में बहा दूसरी ऐसी पुड़िया तैयार कर सकते हैं और फिर वापस धन रखने के स्थान पर रख दें। आप जब तक चाहें इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय आपके घर में बरकत के लिए, दुकान या व्यवसाय स्थल पर कहीं भी आप कर सकते हैं और माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए इस पुड़िया को धन रखने के स्थान पर रख दें। बस एक लौंग का ये छोटा सा उपाय करने से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन की धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो गई हैं। आपको आर्थिक स्थिति जो भी खराब थी उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगेगा, घर में व्यापार में बरकत होने लगेगी, हर जगह से धन का आगमन होगा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन आप शाम को ये उपाय करें, आपको स्वयं इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। ध्यान रहे, ये उपाय आपको चुपके से करना है, किसी को बताना नहीं है, किसी की टोप नहीं लगनी चाहिए, बस चुपचाप लौंग का ये एक कार्य कर लें। दोस्तों, यदि आप स्वयं की तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसके साथ यदि आप ये छोटे छोटे उपाय कर ले तो इससे आपको बहुत लाभ होता है और आपके जीवन में धन की बरकत होने लगती है, कभी भी धन का अभाव नहीं होता। आशा करते हैं आपकी सब समस्याएं माता लक्ष्मी हर लेंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देख लें। राधे राधे।